अब नहीं रुलाएगा प्याज। अफगानिस्तान ने भारत से ऐसे निभाई दोस्ती, प्याज अब ज्यादा दिनों तक नहीं रुलाएगा क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत से दोस्ती निभाते हुए देश में प्याज भेजना शुरू कर दिया है। देश की पश्चिमी सीमा से लगे सूबे पंजाब के विभिन्न शहरों में पिछले कुछ दिनों से अफगानी प्याज बिकने लगा है। व्यापारी सूत्रों ने बताया कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते देश में प्याज आने लगा है। एक सूत्र ने बताया कि अफगानिस्तान से जल्द ही 30 से 35 ट्रक भरकर प्याज देश में आने वाला है, जिसकी लोडिंग हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि भारत में प्याज के दाम में जोरदार इजाफा होने पर अफगानिस्तान व्यापारी यहां के बाजारों में प्याज बेचने को उत्साहित हुए हैं, और अगर प्याज का भाव यहां 30 रुपए प्रति किलो भी रहेगा तो अफगानिस्तान से प्याज आता रहेगा। व्यापारिक सूत्रों ने बताया कि इस समय अमृतसर और लुधियाना में अफगानी प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दिल्ली की आजादपुर मंडी की कारोबारी और ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा ने बताया कि एक दो दिन में दिल्ली की मंडियों में भी अफगानी प्याज आना शुरू हो जाएगा, जिससे प्याज की कीमतों में और गिरावट आएगी। उधर कर्नाटक से प्याज की नई फसल की आवक दिल्ली की आजादपुर मंडी में बुधवार को शुरू हो गई है। कारोबारियों ने बताया कि कर्नाटक में 5 ट्रक यानी कि 125 टन नया प्याज आया है और आने वाले दिनों में नए प्याज की आवक और बढ़ सकती है। आजादपुर मंडी में बुधवार को कई दिनों बाद प्याज का थोक भाव 40 रुपए से नीचे आया। व्यापारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में प्याज का थोक भाव 25 से 38 रुपए प्रति किलो हो गया है, जो पिछले सप्ताह 50 रुपए प्रति किलो हो गया था। शर्मा ने बताया कि बुधवार को मंडी में 50 ट्रक यानी 1100 टन प्याज आया। इसके अलावा एक दिन पहले का 95 टन यानी 1900 टन प्याज बचा हुआ है। इस प्रकार सप्लाई बढ़ने से कीमतों में करीब 7-8 रुपए गिरावट आई है। गौरतलब है कि देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र समेत दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश होने से प्याज की फसल खराब होने और नई फसल की तैयारी में विलंब होने की आशंकाओं से प्याज की कीमतों में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई। प्याज के दाम को काबू में रखने के मकसद से केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को प्याज की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार कर सकती है। केंद्र सरकार ने नैफेड को सफल, मदर डेयरी और NCCF के बिक्री केंद्रों के साथ खुद के विक्रय केंद्रों के जरिए दिल्ली में प्याज का वितरण करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्याज की कीमत 24 रुपए प्रति किलो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।